इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक हैं ताज बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। आदिवासी छात्र संगठन ACS मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित विद्यार्थी संवाद यात्रा 21 जून 2023 को क्रांतिकारी जननायक वीर शहीद टंट्या भील की जन्मस्थली ग्राम बड़ौदा अहिर तहसील पंधाना जिला खंडवा मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई थी और हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, धार, देवास आदि जिलों के समस्त विकास खंड व तहसीलों से होकर जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील चौराहे पर पहुंचकर शहीद टंट्या भील के स्टैच्यू पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर पहले से ही मौजूद इंदौर में अध्ययनरत सैकड़ों विद्यार्थियों द्वारा पुष्प वर्षा कर फूल माला पहनाते हुए यात्रा में चल रहे छात्र नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। आदिवासी छात्र संगठन ACS मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एवं युवाओं के आयकन महेंद्र कन्नौज ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों के हक और अधिकार की बात हर मंच पर की जाती है, लेकिन असल में हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार अभी भी समय रहते हुए हमारी समस्या का समाधान करे, अन्यथा हम सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार को उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। छात्र संगठन के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश मंडोर ने कहा कि हमने विद्यार्थियों की समस्या को जानने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा किया है। इसमें छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, आवास भत्ता, कॉलेजों में प्रवेश, कॉलेज तथा होटलों में सीटों की कमी आदि अनेकों समस्या हमारे सामने रखी गई। हम आने वाले समय में इन समस्याओं को हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर चर्चा करेंगे। फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। यह यात्रा 21 जून को हमारे आदिवासी महामानव टंटे मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर तहसील पंधाना जिला खंडवा से प्रारंभ हुई थी, जो मालवा निमाड़ के सभी जिलों को कवर करते हुए आज यहाँ पर पहुँची है। यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम आदिवासी विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं जो जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर रहकर अध्ययन कर रहे हैं। हम उनके बीच जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है उनसे जान रहे हैं। जिस तरह से प्रमुख रूप से जो समस्या निकल के आ रही है कि आज़ादी के बाद आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन जो हॉस्टल की जो व्यवस्था है हॉस्टल जंजर अवस्था में है और हॉस्टल की जो सीटें हैं उतनी की उतनी है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से कॉलेज में जो एडमिशन स्टूडेंट 9000 है तो वहाँ पर हॉस्टल की सीट मात्र 50 सीटर है। इसके बाद हमारे बच्चे जैसे जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जो शिक्षा के ठेकेदार, जो शिक्षा के दलाल है, जो शिक्षा को एक बिजनेस का धंधा बना लिया है, जिस तरह से हमारे बच्चे मजदूरी मेहनत करके पढ़ते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है वो पेपर लीक करा देते हैं करोड़ों रुपए में। इसके बाद पेपर लीक कराने के बाद बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि हमारी शिक्षण संस्था में 100% रिजल्ट रहा, लेकिन हकीकत ये है कि वो पेपर लीक के कारण गरीब मजदूर किसान के बच्चे का हक मारा जा रहा है। ये पूरा सिस्टम है जो पूरा व्यवसायी का धंधा बना है और कहीं ना कहीं सरकार भी जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करके जो निजीकरण है उसको बढ़ावा दे रही है। तो हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे बचाए, हमारे संवैधानिक अधिकार जो है उसको सरकार धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, उसको कैसे हम सुरक्षित रखें, इसीलिए हम जनजागृति के लिए विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं और जनजागृति ला रहे हैं और अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद जो प्रमुख रूप से विद्यार्थियों की जो समस्या निकल कर सामने आएगी उसको लेकर एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और उस प्रतिवेदन को एक ही दिन एक साथ पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को अवगत कराएंगे। इसके बाद भी प्रदेश सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आदिवासी छात्र संगठन के बैनर तले एक छात्र संगठन का प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात करेंगे और समस्याओं का समाधान करने की मांग करेंगे। और इसके बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो अभी आने वाले 3-4 महीने में विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, उसमें दोनों राजनीतिक पार्टियां, मध्य प्रदेश में दो राजनीतिक पार्टियां हैं प्रमुख रूप से BJP और कांग्रेस, दोनों राजनीतिक पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी, अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, उसमें आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आपके घोषणा पत्र में क्या पॉलिसी होना चाहिए ये हम जानना चाहते हैं।
आपके आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आपके पास क्या योजना है, क्या प्लान है जिससे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का संचार किया जाए। हम इन्हीं बात को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं और आज ये इंदौर में समापन कर रहे हैं और दूसरी यात्रा हमारा दूसरा स्टेप महाकौशल में हम चालू करेंगे।